अब आप हम बात कर रहे हैं तो मैं अभी पूछ लेती थी कोई ऐसा फैन रिएक्शन हमसे शेयर कर सकते हैं इन पर्सन आप गए किसी ने पकड़ लिया किसी आंटी ने किसी खातून ने ये क्या कर रहे हैं आप कुछ है जो नहीं, नहीं बड़े मज़े मजे के, के रिएक्शन आते हैं अभी आई वेंट टू सेल कोड फॉर द मैच तो वहाँ पे जो हमारी रोड होस्टेस थी वो चलती हुई आई मेरे पास एक बात बोल सर आप माइंड मत कीजिएगा मैंने कहा नहीं दिल नशीन को मत छोड़िएगा मैंने कहा जी अच्छा जी वो मेरे शो पे भी कुछ बच्चे हैं उनकी अम्मियाँ पैगाम भिजवाती हैं तो कल पैगाम आया कि दिल नशीन सही नहीं कर रही है बता दो उसको <laughs> वो हमजा के साथ बातें उसने शुरू कर दी है सो so इस तरह के अलग अलग रिएक्शंस आते हैं मॉल में भी लोग <laughs> पहले कुछ और रिएक्ट <laughs> कर रहे थे कल वाले के बिल्कुल जो है, वो कुछ हो और होना शुरू हो गया है कि आपको पता ही नहीं है वो हमजा से मिल रही है वो हमजा से बात कर रही है घर में क्या हो रहा है वो बड़े मजे मजे के रिएक्शन आ रहे हैं कितना मजा आता है और लोग उतना सीरियसली ले रहे होते हैं उसको हाउ डू यू फील मुझे जो सबसे अच्छा एक चीज़ लग रही है बिकॉज आप जैसे जितने भी लोग हैं जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं वीलॉग कर रहे हैं आ, हमारे प्लेस को डिस्कस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे प्लेस पब्लिक में एक तो देखे ज़्यादा जा रहे हैं आ, बहुत, बहुत, मैं नहीं हुँ। हुँ। सही बात कह रहा हूँ चाहे कुछ लोग मजाक में भी करते हैं कुछ लोग नेगेटिव वे में भी करते हैं बहुत सीरियस भी हो जाते हैं Uh, कहानी की uh, जिसको नहीं समझते बस शुरू हो जाते हैं उस पर बट द थिंग इज़ के लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हुआ है भी। किसी भी चैनल का ड्रामा है आप हमने इतना डिस्कस होते हुए पहले नहीं देखा था सही बात है ये जब से uh, डिजिटल ने एक अपना जोर पकड़ा है सो so, ड्रामे डिस्कस होना शुरू हो गए लोग उस पर डिस्कशन करते हैं बाकायदा डिस्कशन फोरम्स होते हैं बहुत लंबी लंबी बातें हो रही होती हैं या yeah. uh, मुझे बताइए स्क्रिप्ट आया कैसे आपके पास कोई कहानी है मजे की जो स्क्रिप्ट के बारे में आप हमें शेयर कर सकें और हैदर में क्या चीज ऐसी थी कि आपने क्या यार ये रोल तो मैंने करना ही करना है देखें एक तो uh, सबसे पहली बात वेरी गुड रिलेशंस विद सेवन स्काई ओके सो अब्दुल्ला भाई और असरद मेरी पे सोने पे सुहागा uh, जंजबील yes. uh, जितना भी मैंने और जंजबील ने काम किया उसमें बशम ओमेन भी है बीगी पलके भी है और भी एक दो है सो so, मेरा ऑब्वियसली वो उनके डायलॉग बोलने का जो उनका डायलॉग लिखना है वो मुझे बड़ा पसंद है जुमले अगर आप फतूर के सुने तो आपको एक डिफरेंट सीन साउंड करता है बन नस्बत बाकी ड्रामों से सीधी सीधी बातें नहीं होती बहुत कम राइटर्स रह गए हैं जो जुमलों के साथ आज भी खेलते हैं सो जनजबील so, उसमें एक है फिर वॉज वर्किंग विद सिराज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ऑलमोस्ट कोई 12-13 साल के बाद मैंने सिराज के साथ काम किया और वो इतना लकी चल रहा है माशा कि पिछले आ, अरसे में उसका हर ड्रामा सुपरट तो मैंने कहा क्यों नहीं क्यों नहीं? और फिर एक नया कॉम्बो था किरण के साथ बहुत अरसे बाद मैंने काम किया हिबा और वहाज हिब्बा के साथ आ, मैंने पहली दफ़ा सीरियल किया वहाज ने और मैंने हैवान किया था उसमें मेरा बेटा बना था सो वैसे ही वो बहुत प्यारा लगता है मुझे सो so, उसके साथ वो एक बड़ा अच्छा मजे का कॉम्बो बन गया पिछली बार जब हम इंटरव्यू कर रहे थे मिले थे तो आपने मेंशन किया था मैं कि यूजुअली अपने कैरेक्टर्स में ना कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं जैसे मुकद्दर की आपने शेयर किया था कि शफी मोहम्मद तो इसमें हैदर में कहीं दिमाग में कुछ था कि कोई हमारे सीनियर एक्टर या आपके कोई जिनको आप पसंद करते हो वहाँ से कुछ उठाया ये, हैदर आपकी अपनी हैदर आई थिंक हैदर को मैंने कोशिश किया कि मैं थोड़ा और लेके चलता हूँ थोड़ा स्टाइलाइज भी था थोड़ा कन्फ्यूज भी था थोड़ा मेहनती आदमी था सो so, मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ और पढ़ता भी हूँ लेकिन इतफाक़ ये हुआ कि वो खुद ही आ, बड़ा एक मैंने धीमे उस पर उसको मैं लेके चला, आप देखें उसकी पेस बहुत स्लो है बहुत कम वो तेज़ बोलता है बहुत कम वो लाउड होता है मैं अभी तक पूरे ड्रामे में दो दफ़ा मैं चीखाऊँ एक दफ़ा चीखाऊँ बाकायदा वो जब फ़ोन छीनता उससे तो बाक़ी तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो फ़ैन रिएक्शन कमेंट कोई आपने सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे स्ट्रेंज या अजीब सा कोई पढ़ा हो जिसको तो आप भी पढ़ के हंस रहे हो या बोले यार, यार ये क्या बात है या आपको रुक गए हो आपके हाँ यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की अभी फिर से रिलेटेड रिसेंटली कुछ ऐसा देखा है पढ़ा है यार बहुत सारे कमेंट्स हैं बहुत okay. बहुत मज़े मजे के कमेंट्स हैं कुछ शेयर कर सकते हैं साथ uh, हाँ जैसे uh, मुझे कल से जो कमेंट्स आने शुरू हुए हैं उसमें फैंस ने डायरेक्ट कह दिया कि तलाक दे दें हैं आप दिल नशील आई वॉज लाइक इतनी जल्दी मैंने कहा अच्छा मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ पर मैं यू नो पढ़ रहा हूँ कि शी इज़ चीटिंग ऑन यू यू नेवर चीटेड ऑन हर मैंने अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं चुप हूँ बिकॉज uh, हम फाइनल कंक्लूजन uh, की तरफ हैं सो yeah. so, मेरा कुछ भी कहना जो है mm -hmm. uh, वो ड्रामे की एंडिंग को ख़राब कर सकता है तो uh, इस तरह के बड़े मज़े मज़े के आ रहे हैं mm -hmm. कुछ लोग बड़े खुश हुए जब मैंने हमज़ा को मुक्का मारा mm -hmm. कुछ लोग बड़े नाराज हुए

ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज हैदर और दिल नशीन के रिलेशन में एक महमल, एक हैदर uh, की वालदा एंड सम हाउ हैदर थोड़ा सा उन्होंने गैप दिया है hmm. अपने हैदर uh, के और दिल नशीन के रिलेशन में सो yeah. so वो जो गैप हुआ है hmm. हमज़ा उसमें आया बिकॉज हमज़ा पहले भी ट्राई कर रहा था yes. दिल नशीन नहीं जा रही थी yeah. वो जो थप्पड़ था hmm. जिस पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि नहीं जी नहीं होना चाहिए था लेकिन वो थप्पड़ इसलिए ज़रूरी था बिकॉज इस गैप को बढ़ाना था ऑबियसली okay. गलत चीज़ है uh, हम इस पर सभी डिस्कस करते हैं वायलेंस है उसको नहीं होना चाहिए सो so, वो वायलेंस की वजह से क्या क्या चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं तो दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट सो ये एक है सो so, होता है इंसान कहीं ना कहीं इंसान है फरिश्ता तो है नहीं

वो हैदर के साथ वही वापस पलट के आ रहा है वो देखिए शुरू में जब ये मैमल वाला और हैदर वाला और दिलनशीन वाला ट्रैक था मुझे इतने मैसेजेस लोगों के आते थे मुझे इवन मेरे घर में मेरे फैमिली में जो जानने वाले लोग हैं कि नहीं दिस इज़ नॉट द वे ये नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर आपकी बीवी इनसिक्योर है किसी से तो देर आर सर्टन वेज जिसमें आप इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं बिकॉज आपको अपना घर सेफ करना है ना शी इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक बाप से किया हुआ वा वादा निभा रहा है hmm. और वो उसी वादे के चक्कर में वो उसकी हर बात सुनता भी है मानता भी है आ, उसको पुश भी करता है लेकिन आ, वो कोशिश ये करता है कि मैं वादा ना तोड़ूँ अपने बाप का yeah. के जो कि मेरे भाई की बेटी है उसको hmm. तुमने संभालना है और ये करना है वो करना है yeah. बट अब अगर आप कल वाला एपिसोड देखें तो उसमें माँ की और बहन की हल्की सी टर्न yeah. uh, हुआ में. है टूवर्ड्स मेहमल yes, yes. और मेहमल अब यहाँ आ गई है कि मैं पुराने घर में चली जाती हूँ hmm. और मैं कोई जॉब कर लेती